नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे एमआरएस से रिलेटेड कि सर क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, इसकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी और सेंटर हमारे एग्ज़ाम का क्या होगा। काफ़ी बच्चों के एक तरह से, क्योंकि इससे पहले कभी एमआरएस के बारे में बच्चों ने सुना नहीं है, ठीक है, ना ही कभी इसका रिक्रूटमेंट हुआ। जो भी रिक्रूटमेंट होता था, चाहे टीचर का हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो आपके संविदा पे रखे जाते थे। लेकिन पहली बार जब इसे एक तरह से बोला जाए, जब बजट पास किया गया, तो उसमें बोला गया था कि अब ईएमआरएस विद्यालय भी अपनी जो वैकेंसियां हैं उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल करे। तो उसी क्रम में आपकी 4000 प्लस आपकी जो वैकेंसी निकाली गई हैं, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आप सैलरी क्या है, आपका गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो सैलरी से ही आपको पता चल जाना चाहिए, तभी भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये फुल्ली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय है, आपका नवोदय विद्यालय है, वैसे ही ये एकलव्य विद्यालय है जो ट्राइब्स के लिए बनाया गया था, बेसिकली उनके एजुकेशन्स के लिए बनाया गया था। तो इनमें जो आप टीचर अपॉइंट होते हैं, सेम एज ए सैलरी मिलती है जो आपके नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय की मिलती है। जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी भी सैलरी पे ग्रेड आपका सेम रहता है जो केंद्र विद्यालय और नवोदय विद्यालय की है। तो ये आप लोग एकदम अपने दिमाग से हटा दें कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो इसमें आपका ये गवर्नमेंट ही है, प्राइवेट नहीं है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते ई एम आर एस से रिलेटेड, तो परीक्षा प्लस के द्वारा बैच चलाया जा रहा है, ई एम आर एस जीएसए जो नॉन टीचिंग है आपका, जीएसए का बैच चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो बच्चे लैब अटेंडेंट की भी तैयारी करना चाहते हैं, जो 10+2 साइंस वाले हैं, तो लैब अटेंडेंट का भी बैच आपका चलाया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों बैचेस आप परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं, कहां से, परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट है live.parikshaplus.org से ले सकते हैं। तो ये बैच आपको 592 प्लस जीएसटी के साथ है, बच्चे काफी कंफ्यूज हैं, 699 में आपका, अगर आप जीएसए की तैयारी करना चाहें तो जीएसए का बैच ले लें। आप लैब अटेंडेंट की तैयारी करना चाहते, जिसको टाइपिंग आती है वो अच्छा, इसमें काफी वैकेंसी है, 759 वैकेंसी है, और इसमें 300 प्लस वैकेंसी है, तो ये ध्यान रखिएगा 350 प्लस। तो ये लैब अटेंडेंट उनके लिए है जो बच्चे 10+2 पास किए हैं और साइंस बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और टाइपिंग वालों की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों बैचेस चालू हो गए हैं। डेमो क्लास देखने के लिए आप ऐप पर ही डेमो क्लासेस इसकी देख सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पे होगा। तो आपके फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन आप देखोगे, इंफॉर्मेशन ब्राउचर आप पढ़ोगे, तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसके ब्राइटनेस को कम कर दूं, तो फॉर्म में ही आपको दिया गया है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे होंगे। आपको सेंटर चूज करना है, चाहे 5 या 6 शायद सेंटर चूज करना है जब आप फॉर्म फिल करोगे। तो आपका ये, जैसे यहां पे बोला सिटी कोड दिया, अंडमान निकोबार में एक सेंटर है, ऐसे बिहार में पटना में, मैं सो ऑलमोस्ट देखोगे छत्तीसगढ़ रायपुर है, उसके बाद दमन दीव में, सिलवासा में, जो भी आपका सेंटर है, दिल्ली का है कैपिटल लीडर तो दिल्ली है आपका, गोवा का पणजी, मतलब जो आपका कैपिटल सिटी है स्टेट का, वहीं पर आपको कहीं ना कहीं सेंटर दिया गया, रांची में गया है, केरला का देखिए, लद्दाख का लेह में है, यूपी में देखिए कहां पे सेंटर है, काफी बच्चे यूपी का पूछ रहे हैं। तो हर जगह के जो आपका क्या है, राजधानी जो है वहीं पर सेंटर आपका बना है, उड़ीसा का भुवनेश्वर में है, नागालैंड का कोहिमा में है, तो जो आपका सेंटर जो है, आपकी राजधानी है स्टेट की, वहीं है। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का जो सेंटर है वो लखनऊ है, तो लखनऊ में ही आपका एग्जाम होगा। सिर्फ एक सेंटर हर एक स्टेट में जो राजधानी है वही बनाया गया है, इसीलिए कई सेंटर चूज कराया जा रहा है। तो कोई भी सेंटर आपको दिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई, इसीलिए फॉर्म ज्यादा से जल्दी आप लोग भर लीजिए। अब आती है कि आपकी पोस्टिंग कहां होगी, जॉब आपकी कहां मिलेगी, ठीक है। तो पोस्टिंग कहां होगी, उसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि आपको अभी तो जो आप जब फॉर्म भरेंगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, उस समय आपसे कोई भी प्रिफरेंस शायद नहीं मांगा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म फिल करते समय आपसे कहीं भी प्रिफरेंस नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। फॉर्म फिल करते समय आपको प्रिफरेंस नहीं मांगा जा रहा है, और जो बच्चे प्रिफरेंस सेंटर का प्रिफरेंस सिर्फ मांगा जा रहा है, ये आपकी जो वैकेंसी आई है 4000 जो ओवरऑल टीचर की भी है, नॉन टीचिंग की भी है, तो इसमें यह नहीं बताया गया किस विद्यालय से है, कहां से है, ठीक है, किस स्टेट से कितना है, तो इसलिए आप
ये ध्यान रखिए कि जो ये विद्यालय की लिस्ट है आप देखेंगे 566 के अप्रोक्स आपके विद्यालय हैं, तो यहां पे आपके कहीं भी आपको भेज सकता है। जब आपका चॉइस नहीं ले रहा है तो अभी जो जहां सीट खाली होगी, जहां पे वैकेंट है, जहां जरूरत है, वहीं आपको, जब आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका स्टेट ही मिले। हो सकता है कि अगर आपके स्टेट में, बाय द वे, आपके स्टेट में वैकेंसी हो और आप अच्छे नंबर लाते हो तो हो सकता है आपका स्टेट मिल जाए, या किसी अदर स्टेट में अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो केवीएस की तरह यह भी आपका कहीं फिल चॉइस फिल नहीं करा रहा है कि आपको कहां पे जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये जहां पे वैकेंसी वैकेंट रही हुई होगी जो निकाला गया है, क्योंकि पूरे 38,000 वैकेंसी है वैकेंट, तो अभी सिर्फ 4,000 निकाली गई है। ऐसे इसको शायद 3 सालों में कंप्लीट करना है, तो अभी जहां पर ज्यादा जरूरत होगी वहां पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। अभी किसी को नहीं पता कि कहां पे आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका भी स्टेट होगा, हो सकता है किसी अदर स्टेट में होंगे, लेकिन जहां पे ये जो विद्यालय दिया गया, देखो मध्य प्रदेश में काफी जगह पे है, महाराष्ट्र में काफी जगह पे है, यूपी में 4 जगह पे है, आपका उत्तराखंड में भी है, तो हर जगह आपका मैक्सिमम जगह विद्यालय है, तो वही विद्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, जो जेएससी वाले हैं समझ लो एज ए क्लर्क, उस विद्यालय का क्लर्क की तरह आपको काम करना है, और जो लैब अटेंडेंट हैं उनका जो काम रहेगा, जैसे आप देखते हो कि हर स्कूल में एक टीचर के साथ सहायक होता है, लैब अटेंडेंट होता है, जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं वही काम आपका भी है। ठीक है, सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, बाकी जो कोई दिक्कत है कोर्स से रिलेटेड, आप कोर्स लेना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप जो संस्था का नंबर है 9450006007 उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर है 9450006007 और 9129970708070 इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने सवाल कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, धन्यवाद।